अदब नवाज हमेशा से है ये शहर अपना। यहाँ पे कौन से शायर नाए हुजूर आए, वतन में अपने लताड़ा जिन्हें हवादिस ने, वो सटपटा के जो भागे तो रामपुर आए। रामपुर उत्तर प्रदेश का एक अहम शहर है। ये शहर दरियाए कुसीला के किनारे सतह समंदर से 620 फीट की ऊंचाई पर आबाद है। यहाँ की आबादी तकरीबन 3 लाख है। देखिए, इसकी तारीख इस तरह शुरू होती है कि 1707 में अफगानिस्तान के इलाका यूसुफ जय, वहाँ से एक शख्स रोटी रोजी की तलाश में हिंदुस्तान में आया। उसने मराठों की नौकरी की, दिल्ली के बादशाहों की नौकरी की, बहुत से उसने पठानों को जमा किया। उस शख्स का नाम था सरदार दाऊद खान। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में जब वो दाखिल हुआ तो ये इलाका उस ज़माने में कहलाता था कठेर, और कठेर के बाद इसका नाम पड़ा रुहेलखंड। ये रुहेलखंड 1801 का नाम है जो अवध के बादशाहों ने, जब उनके पास ये कब्ज़े से चला गया अंग्रेज़ों के, तब इसका नाम रुहेलखंड रखा गया। तो 1801 से पहले इसका नाम था कठेर। दाऊद खान ने यहाँ कुछ इलाके पर कब्ज़ा किया, कुछ राजाओं की यहाँ नौकरी की, इलाकों को जीता और काफ़ी बड़े इलाके पर उसने कब्ज़ा कर लिया। फिर उसका लड़का अली मोहम्मद खान 1721 में यहाँ का बादशाह तो नहीं कह सकते, ना जागीरदार कह सकते हैं, बहरहाल उसने कब्ज़ा कर लिया यहाँ पे। उसकी शोहरत इतनी बड़ी कि उसको दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह ने 5000 मनसब देकर और ये इलाका उसको पूरी तरह से दे दिया। उस ज़माने में रोहेलों का या पठानों का कब्ज़ा बुलंदशहर पर, नजीबाबाद पर, मुरादाबाद पर, अमरोहा पर, यहाँ तक कि अल्मोड़े पर भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। फिर ये पूरब की तरफ अगर आप जाएं तो शाहजहाँपुर, इधर बदायूं, ये सारा इलाका इनका हो गया था। 1774 में अवध के बादशाह, बल्कि अब हम कहेंगे उन्हें नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स की फ़ौजों ने एक कंबाइंड फोर्सेस बनाने के बाद इन रोहेलों पर हमला किया, इनको डिफीट दी। लेकिन इसके बाद भी नवाब अली मोहम्मद खां का लड़का नवाब फैजुल्ला खां सरेंडर नहीं कर। आखिर में ये तय पाया कि ये रामपुर जिसे हम आज कह रहे हैं, ये जागीरदारे के तौर पर उनको दे दिया जाए टोटा। तो 1774 में इस रामपुर की बुनियाद पड़ती है। पहला यहाँ का नवाब थे नवाब फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां ने जब इस जागीरदारे पर कब्ज़ा किया तो यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मसला उनके सामने इस तरह से आया कि किस तरह हम हुकूमत चलाएं, किस तरह लोगों को यहाँ आबाद करें, क्योंकि 1774 की जंग में बहुत ज़्यादा तादाद में रोहेला जो थे बेघर हो गए थे, जगह जगह चले गए थे। उन लोगों ने भी यहाँ सेटलमेंट अपना बनाना शुरू कर दिया। गोया एक तरह से इब्तदाई दौर में रोहेलों की कॉलोनी बनना शुरू हो गई। तो ये मसला फैजुल्ला खां के सामने आया कि क्या किया जाए, कैसे सड़कें बनाई जाएं, कैसे निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए। बहरहाल ये उनका बहुत बड़ा काम था, उन्होंने एक बहुत छोटे स्तर पर इस काम को किया और लोगों को यहाँ पर आबाद किया। तकरीबन 20 साल तक उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की और इस 20 साल के अरसे में उन्होंने रामपुर को एक पूरा आबाद इलाका बना दिया। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो था देहातों को आबाद करना। तो दूसरे अजला से, दूसरे शहरों से वो देहातियों को लाते थे कि ये ज़मीनें हम तुमको दे रहे हैं, तुम खेती बाड़ी करो, क्योंकि ये ज़मीनें ही जिससे लगान मिलता था, यही स्टेट की सबसे बड़ी इनकम हुआ करती थी। तो 1794 में उनका इंतकाल हो गया। फिर अंग्रेज़ी फ़ौजों ने और अवध की फ़ौजों ने मिलकर जंग की, जिसे जंग दो जोड़ा कहलाती है, ये भी जंग 1796 में आई थी, ये 1794 में हुई है, उनको भी डिफीट हुई। तो फिर
एक दूसरे नवाब यहाँ पर हुकूमत करने लगे। तब से ये सिलसिला नवाबों का यहाँ कायम रहा 1749 तक। नवाब फैजुल्ला खान पहले नवाब, उन्होंने सन 1775 में रामपुर के मौजूदा शहर की बुनियाद रखी और उसको डेवलप करना शुरू किया। उसी वक्त 1775 में ही जो उनको ख़ानदानी विरसा मिला था किताबों का, और उसे उन्होंने तोशे खान में रख दिया था और वही बुनियाद बन गई लाइब्रेरी की। चुनांचे उसके बाद जो नवाबीन आते रहे उन सब नवाबों ने इसको इनरिच किया, और बिलखसूस 1857 के बाद जब मुग़लों की शाही लाइब्रेरीज लुट गई तो उसके मखतूतात, उनके एल्बम, तस्वीर, ये सब किसी न किसी शक्ल में या तो किसी ने पेश की, और ख़ास तौर पर इन्होंने अपने कारिंदों को भेजकर बनारस और आपके दूसरे इलाकों में से इन्होंने इकट्ठा किया। चुनांचे ये ज़बरदस्त, यानी एक तो बंगाल में मुर्शिदाबाद की नवाबी ख़त्म हो चुकी थी, उनकी भी बहुत सी किताबें यहाँ आईं, और यहाँ जो दिल्ली, आगरा और जहाँ जहाँ भी मुग़लों की लाइब्रेरी थी उन सब का जो ज़खीरा था उसका कुछ हिस्सा या अच्छा खासा हिस्सा यहाँ पर आ गया। तो इस तरह ये लाइब्रेरी काफ़ी रिच हो गई, और होते होते ये समझिए कि नवाब रज़ा अली ख़ान के ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़ा सरमाया इकट्ठा हो चुका था, और इस लाइब्रेरी को एक अवामी लाइब्रेरी भी का दर्जा भी दे दिया गया। तो यहाँ उन्होंने संगीत के ऊपर, ख़ासतौर पर हिंदुस्तानी संगीत पर बहुत अच्छा मटेरियल फारसी में, अरबी में, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में यहाँ इकट्ठा किया। तो ये लाइब्रेरी अब मौजूदा हालत में तकरीबन 18,000 यहाँ मखतूतात हैं मुख्तलिफ ज़बानों में, जैसे कि अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, तुर्की, पश्तो, इन सारी ज़बानों में, और साउथ की भी ज़बानों में यहाँ आपके इसके ऊपर ये ताड़ की पत्तियों पर लिखे हुए भोजपत्र हैं, जो आपके मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु ज़बान के को रिप्रेजेंट करते हैं। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी नवाबीन रामपुर की इल्म दोस्ती, अदब नवाजी और रोशन ख्याली के सिलसिले की शानदार कड़ी है। नवाबीन रामपुर ने लाइब्रेरी के मामलात और मसाइल में हमेशा दिलचस्पी ली, और अपने इल्मी ज़ौक़ शौक़ का सबूत पेश करते हुए अपनी ज़ाती किताबें, स्टेट गेज़ट, तारीख़ी दस्तावेज़ात, तस्वीर और कीमती मखतूतात लाइब्रेरी को अतीय में दे दी। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अपने कदीम, नादिर और नायाब इल्मी ज़खायर और गिरा क़द्र सरमाए की बदौलत दुनिया की मुमताज़ तरीन लाइब्रेरी का दर्जा रखती है। यहाँ मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से मुतालिक बेशबहा कलमी नुस्खे, पेंटिंग्स, मखतूतात, इस्लामी खत्ताती के नमूने और किताबें मौजूद हैं जो सिर्फ इसी लाइब्रेरी की जीनत हैं। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अपने कलेक्शन की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत रखती है। मखतूतात में सबसे ज़्यादा कदीम किताब जो यहाँ पर है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब कुरान मजीद है, उनके हाथ का लिखा हुआ। उसके बाद 7वीं सदी ईस्वी का इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद, उसकी कापी मौजूद है। और इसी तरह से 10वीं सदी का इब्न मुकला, जो बगदाद के खलीफा का वज़ीर आज़म था, उसके हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद यहाँ पर महफूज है।
और इब्न मुकला का कुरान मजीद दुनिया का अकलौता नुस्खा है और कहीं इसके नमूने नहीं मिलते हैं। रामपुर अपनी इल्म दोस्ती और अदब नवाजी के लिए सारे आलम में शोहरत रखता है। यहाँ बड़े बड़े साहिब तर्ज अदीब और शायर पैदा हुए और दुनिया अदब में असातेज़ाए सुखन के तौर पर अपनी मुनफरिद शिनाख्त बनाई। शाद आरफी, राज यजदानी, महशर इनायती और जलील नुमानी जैसे बहुत से नाम हैं जो रामपुर की अजमत की दलील है। इसी मरकज़ इल्मो अदब से मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी जैसी हस्ती रूनुमा हुई जिसने इस रियासत की शानदार खिदमात को इसके शायन शान वक़ार बख्शा। हमारी महफिलों में बस वही तकलीफ फरमाए, हमारी महफिलों में बस वही तकलीफ फरमाए, जो साकी की निगाहे कहर से भी मस्त हो जाए। हजारों फूल खिलते हैं चमन में रात दिन, लेकिन कोई ऐसी कली ढूंढो जो खिलकर फिर न मुरझाए। रहे उल्फत के पेचो खम से हम आगाह हैं यारो, कोई इस राह की दुश्वारियां हमको ना समझाए। ये बाजार मोहब्बत है, यहाँ खोना भी पाना है, जो इसको पा नहीं सकता वो खुद अपने को खो जाए। मोहब्बत में नहीं है फर्क मिलने और न मिलने का, न सुलझे जिससे ये रिश्ता वो उसको और उलझाए। ये अक्लो होश वाले गर कभी खिलवत में मिल जाएं तो अर्शी उनको कुछ नादानियां तलकीन फरमाए, तो अर्शी उनको कुछ। ये तकरीबन शुरू होता है अहद उर्दू और इल्म की और शायरी की सरपरस्ती का नवाब यूसुफ अली खान के दौर से। वो खुद एक शायर थे और उनका साहिब दीवान शायर थे, उनका कलाम मौजूद है, उनका दीवान मौजूद है। उर्दू शेर व शायरी और ज़ुबान व अदब से नवाबीन रामपुर की मोहब्बत भी गैर मामूली अहमियत की हामिल है। नवाब यूसुफ खां और नवाब कल्बे अली खां खुद बुलंद पाया शायर थे। देहली और लखनऊ के जवाल के बाद रामपुर ने उलमा के अलावा शुअरा और अदीबों की खूब सरपरस्ती की। हकीम मोमिन खां मोमिन, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, मिर्ज़ा दाग देहलवी, अमीर मीनाई जैसी बहुत सी मुमताज़ हस्तियां रामपुर की बज़्म शेर व अदब से वाबस्ता रहीं। नवाब यूसुफ खां मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। मिर्ज़ा गालिब ने रामपुर में काफ़ी अरसे क़याम किया और नवाब यूसुफ खां के कलाम पर अपनी इस्लाह दी। मिर्ज़ा गालिब ने रामपुर को दारुस्सुरूर का खिताब दिया जो अहले रामपुर के लिए बाइस फ़ख्र है। नवाब हमीद यार खां साहब जब यहाँ रामपुर तशरीफ़ लाए तो उनके साथ साथ कायम चांदपुरी भी आए, हकीम कबीर साहब भी तशरीफ़ लाए, और ये वो ज़माना है कि जब दिल्ली में मीर और सौदा दोनों बड़े शायर मौजूद थे, दर्द भी मौजूद थे। कायम चांदपुरी के लिए ये कहा जाता है कि वो सौदा के तलामज़ा में से थे और सौदा से उन्होंने के शागिर्दों की फहरिस्त में उनका नाम लिया जाता है। तो 1774 से यहाँ रामपुर में
उर्दू शायरी की दागबेल पड़ी और वो सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नवाब यूसुफ़ अली ख़ान के दौर और नवाब कल्बे अली ख़ान के दौर तक आया। ये वो ज़माना है कि जब यहाँ दिल्ली और लखनऊ दोनों दबिस्तान उजड़ चुके हैं। रामपुर की एक तन्हा स्टेट उस वक्त मौजूद थी जिसने तमाम हिंदुस्तान के फ़नकारों का, शौरा का, उदबा का की सरपरस्ती की और उनको अपने दामन आतिफत में जगह दी। रामपुर में यही नहीं कि सब बाहर से आए हुए शौरा का एक असर रहा, यहाँ के बहुत बड़े शौरा यहाँ रामपुर ने भी पैदा किए अपने यहाँ से। उनमें बहुत से नाम आएंगे आपके, जैसे मशहूर तरीन नामों में से निज़ाम रामपुरी है, बीमार हैं, अखूनज़ादा गफलत हैं। बीमार साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना शेर है कि अंगड़ाई भी वो लेने न पाए, उठा के हाथ देखा जो मुझको छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। उसके बाद यहाँ कायम रामपुरी आए, कायम चांदपुरी आए, कायम चांदपुरी यहाँ रहे और वो तो फिर रामपुर का ही होकर रह गए। उनका इंतकाल भी रामपुर में हुआ, उनकी कब्र भी यहाँ दरियाफ्त हो चुकी है। अमीर मीनाई उर्दू का एक बड़ा नाम है, वो रामपुर में आए, रियासत के मुलाजिम रहे, काफ़ी अरसा उन्होंने वक्त गुजारा, उसके बाद वो रामपुर से चले गए थे। दाग जो गालिबन अपने एक स्कूल की हैसियत से उर्दू का एक सबसे बड़ा नाम है, एक मुनफरिद उसलूब की हैसियत से, वो भी यहाँ रामपुर आए और यहाँ की रियासत के मुलाजिम रहे। रियासत की मुलाजमत तो उनकी रोज़ी रोटी के लिए ज़रूरी थी, लेकिन दरअसल यहाँ उनको बुलाने का मकसद, यहाँ उनके रहने का मकसद, या रियासत ने उनकी जो सरपरस्ती की उसका मकसद उर्दू ज़बान की, उर्दू शायरी की या इल्म अदब की सरपरस्ती ही था। और उस ज़माने में अमूमन रियासतों का ये मिजाज रहा है जिससे ज़बान भी परवान चढ़ी, अदब को भी फ़रोग मिला। और यहाँ एक मदरसा आलिया था जिसकी डिग्री और जिसकी सनद अजहर जाम अजहर कबूल करता था, मानता था, और यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। लेकिन वो धीरे धीरे आज़ादी के बाद वो मदरसा आलिया धीरे धीरे नीचे को आता रहा, पस्त होता रहा, तालीम का मैयार घटता रहा, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि होना ना होना उसका बराबर है। लेकिन उसके ज़रिए से बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पढ़ा। हद ये है कि मौलाना शिबली नौमानी जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कसीर तसानीफ़ हैं, बहुत ज़्यादा तसनीफ़ हैं, उन्होंने भी यहाँ मदरसा आलिया में पढ़ा। मौलाना फजल हक खैराबादी और एक मौलाना फजल हक एक और थे, ये बड़े बड़े अपने उलूम में माहिर और अपने मैदानों के बहुत बड़े शहसवार थे। ये यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़ा उन्होंने, यहीं पढ़ाया। रामपुर के इल्मी रिवायात बाशिंदगान रामपुर और मुल्क कौम के लिए हमेशा बाई से फख्र रही हैं और इल्म अदब की खिदमत हमेशा इस रियासत के लिए तुर्रा इम्तियाज रही है। इस सिलसिले की पहली कड़ी मदरसा आलिया का क़याम था। हिंदुस्तान का शायद ही कोई मशहूर इल्मी ख़ानदान या मरकज़ ऐसा हो जो बिलावास्ता या बिलवास्ता मदरसा आलिया रामपुर का फैज़ याफ्ता ना हो। बाशिंदगान रामपुर ने भी वहाँ की तालीमी ज़रूरतों के पेश नज़र फलाही इदारों और तंजीमों की बुनियाद डाली है और इसके ज़ेर इंतज़ाम स्कूल और कॉलेज कायम किया है। रामपुर में वाक़ जामियतुस सालिहात लड़कियों का बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इदारा है, जहाँ इस्लामी उलूम के साथ साथ असरी उलूम का भी इंतज़ाम है। ये इदारे इस बात के गम्माज हैं कि रामपुर के अवाम ने तरक्की तालीम के मुतालिक जो कोशिशें की हैं वो एक नए एहसास और बेदारी का सबूत फराहम करती हैं। एक तंजीम यहाँ अंजुमन इस्लाह कौम है जो रामपुर की एक शमसी कम्युनिटी है, एक शमसी बिरादरी है, उनके बुज़ुर्गों ने यहाँ कायम की थी और 1906 में कायम हुई थी, जिसके बुनियादी मकासद में ये बात थी कि समाज की इस्लाह की जाए, समाज की फलाह की जाए, समाज की बेहतरी के लिए काम किए जाएँ। समाज की इस्लाह के लिए, समाज की फलाह के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, एक अच्छे समाज को बनाने के लिए तालीम बुनियादी चीज़ है। लिहाजा ये अंजुमन का काफ़िला जब भी चला तो यहाँ एक मदरसा उस वक्त कायम हुआ। पहले सिर्फ़ एक 150 गज की या 125 गज का मकान लेकर एक मदरसा इस्लाह कौम के नाम से कायम किया गया था।
एक ज़माने तक वो मदरसा यहाँ चलता रहा, लेकिन आज़ादी के बाद सूरत हाल बदली, ज़रूरतें महसूस हुईं, उसी ज़रूरत के एतबार से अंजुमन के कामों में भी वसत की गई। फिर यहाँ एक लड़कों के लिए स्कूल कायम हुआ, एक छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल कायम हुआ, लड़कियों के लिए अलग हुआ, लड़कों के लिए अलग हुआ। खुदा का शुक्र यह है कि हमारे स्कूल का शमसीगंज इंटर कॉलेज का रिज़ल्ट भी हमेशा अच्छा रहा है। इस साल 2008 में भी शमसीगंज इंटर कॉलेज का इंटर का रिज़ल्ट 100% है। 73 तालिबात शरीक हुई थी, जिसमें से 53 तालिबात फर्स्ट क्लास पास हुई हैं, 20 तालिबात सेकेंड क्लास पास हुई हैं। हाई स्कूल का रिज़ल्ट 92% है, जबकि यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट 46% रहा है। ये इस दौर में आके, सदी में आके, ये सोचा हमने कि अरबी में माहिर पैदा हों लड़कियां भी, चनाचे कुरान हदीस की तालीम उनको भी दी जाए। तो हमने ये कोशिश की कि ये मदरसा कायम करें, उसमें लड़कियों की आला तालीम हो, वो कुरान में ही माहिर बने, हदीस में ही माहिर बने। लेकिन चूंकि रहना हमें इसी माहौल में है, इसी दौर में है, इसी हिंदुस्तान में है, इसी हिंदुस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, और इसी हिंदुस्तान की तरक्की भी हमने अपना मकसूद बना रखा है, तो ऐसी सूरत में हमने ये ज़रूरी समझा कि ये लड़कियां जो कुरान और हदीस में माहिर बने, इनको फिल जुमला किसी न किसी दर्जे में जदीद उलूम, जदीद टेक्नोलॉजी, इसकी तालीम भी हासिल रहे। चुनाचे यहाँ असलन तो हदफ हमारा जो है, फोकस जिस पर है, वो तो कुरान और हदीस है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर भी हम सिखाते हैं, जदीद तालीम भी देते हैं, अंग्रेज़ी भी पढ़ाते हैं। रामपुर में बहुत सी इल्मी और अदबी शख्सियतों ने जन्म लिया और मुल्क कौम के नाम अपनी खिदमात पेश की। उन्हीं में से दो माया नाज सपूत, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, हिंदुस्तान की कौमी तारीख का दरख्शां सितारा बने और अली ब्रादरान के नाम से मशहूर हुए। रामपुर ने अपने असलाफ की रिवायत को हमेशा तहसीन की नज़र से देखा है और उनकी दिल से कदर की है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का रामपुर की सरजमीन में कयाम इस बात की तरफ इशारा करता है। नवाबीन रामपुर ने फन मौसीकी की सरपरस्ती की और ख़ुद भी इस फ़न में महारत हासिल की। नवाब यूसुफ अली खां के अहद में मौसीकी के बाकमाल असातिज़ा और माहरीन फ़न रामपुर दरबार से वाबस्ता रहे, और यही वजह है कि शेर व सुखन की तरह मौसीकी का रामपुर घराना भी मशहूर हुआ। लखी बेरन द्वारे चलो बात मांगे, लखी बेरन द्वारे चलो बात मांगे। नवाब रजा अली खां खुरताल बजाने के माहिर थे। उन्होंने मौसीकी की सरपरस्ती की दरबारी रिवायत को बरकरार रखा। उनके अहद में बेगम अख्तर जैसी आलमी शोहरत याफ्ता फनकार मौजूद थीं। बेगम अख्तर की रियासत रामपुर से वाबस्तगी काफ़ी अरसे तक रही। नवाब रजा अली खां को फन मौसीकी पर गैर मामूली उबूर हासिल था। उन्होंने संगीत सागर जैसी बुलंद पाया किताब तख्लीक करके फन मौसीकी में गिरा कदर इजाफा किया। ये किताब 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मन की पुकार और देश की आवाज़ के उन्वान से भी उन्होंने एक किताब तहरीर की, जिसकी खूब पजीराई हुई। नवाब यूसुफ अली खां, इन्हें मौसीकी का बड़ा शौक़ था, इनके बुज़ुर्गों को बहुत बड़ा शौक़ था। यानी यूँ समझ लें आप कि नवाब अली मोहम्मद खां के ज़माने में तानसेन और मिश्री सिंह की औलादें यहाँ संगीतकार की हैसियत से आने लगी थी। उस वक़्त आंवला राजधानी था, रामपुर नहीं था। जिस ज़माने कठेर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें तोराब खां,
सोहराब खां, जीवन खां, इस तरह के लोग आए। ये सिलसिला नवाबों ने रामपुर के और आगे बढ़ाया। तो फिर नवाब यूसुफ अली खां के ज़माने में बहादुर हुसैन खां और तानसेन की दूसरी औलादें और मिश्री सिंह की दूसरी औलादें यहाँ पर आने लगी। ये और कल्बी अली खां के ज़माने में इसी तरह मौसीकी का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। हामिद अली खां के ज़माने में तो ये अपने उरूज पर पहुँच चुका था। अब ये मेरे शहर यारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है, हमने रोशन चराग कर तो दिया, अब हवाओं की जिम्मेदारी है, अब हवाओं की जिम्मेदारी है, सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, मेरे अंदर भी जंग जारी है, मेरे अंदर भी जंग जारी है, कौन रहता है अपनी हद में यहाँ, किसको एहसास जिम्मेदारी है, उम्र भर सर बुलंद रखता है, ये जो अंदाज़े इनके सारी है, मिट रही है यहाँ ज़बानो ग़ज़ल, और ग़ालिब का जश्न जारी है, और ग़ालिब का जश्न जारी है।